हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको कैलीग्राफी रिलेटेड वीडियोस पसंद है या कार्ड मेकिंग रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को हिट करें, क्योंकि गाइस मैं हर रोज़ नए वीडियो के साथ आती हूँ। एवरी डे आई पोस्ट न्यू वीडियो। तो चलो आज के वीडियो से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम ऐसा कलरफुल कार्ड बनाएंगे, बहुत ईजी है एंड बहुत जल्दी बन जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी कोड यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कलर्स आर द स्माइल ऑफ नेचर, ऐसे लिख रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने है ना कर्व्स में 3 लाइंस बना ली है, क्योंकि कर्व में ही कोट लिखना है, कोट को स्ट्रेट लाइन में नहीं लिखना है इसलिए। तो पहले पेंसिल से हो गया, इसके बाद मैं सीडी मार्कर का यूज़ कर रही हूँ। कलर और स्माइल के लिए मैं थिक वाला सीडी मार्कर यूज़ कर रही हूँ एंड बाकी सब के लिए मैं थिन वाला सीडी मार्कर यूज़ करूँगी। अब थिन वाले सीडी मार्कर की हेल्प से मैं डाउन स्ट्रोक्स को थिक कर दूंगी सभी एंड इनको बाद में फिल कर देंगे, क्योंकि ये तो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है ना इस कोट के, इसलिए इनको थोड़ा सा डार्क करना है। अब यहाँ पे बाकी के जो बचे हुए वर्ड्स हैं उनको मैं थिन सीडी मार्कर से लिख रही हूँ एंड इनके भी डाउन स्ट्रोक को थिक कर देंगे। ध्यान से देखो गाइज, मैं डाउन स्ट्रोक को थिन कर रही हूँ, बट जहाँ पे जो अप स्ट्रोक थिन हो रहा है ना वहाँ पे बहुत स्मूथली थिन हो रहा है। यहाँ पे प्रॉपरली आप डिफरेंस नहीं देख पाओगे कि यहाँ पे थिक है और यहाँ पे थिन है, वो प्रॉपरली उसकी थिकनेस कम होती जाती है एंड देन वो थिन होता है। इसी वजह से कैलीग्राफी ब्यूटीफुल लगती है गाइज। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इन कैलीग्राफी। एंड अब ये जो डाउन स्ट्रोक्स थिक किए हुए थे सीडी मार्कर से उनको फिल कर देंगे। और यहाँ पे मैं सभी पेंसिल मार्क्स मिटा रही हूँ और सीडी मार्कर होने की वजह से कुछ इशू नहीं है। तो यहाँ पे जो मेरे पास कलर्स है कैमलिन के वाटर कलर केक्स है, इनमें मैं पहले सब में पानी ऐड करके रख रही हूँ ताकि मेरा काम इजी हो जाए, कलर्स सूखे ना, क्योंकि हम लोग कलर्स को स्प्लैश करके पेपर को सीधा करेंगे तो सारा कलर नीचे से फ्लो होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने सभी कलर्स को वेट कर दिया और यहाँ पर मैं सभी कलर्स के डॉट्स लगा रही हूँ, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, नॉट डॉट्स बट कलर्स ऐसे लगा रही हूँ थोड़ा थोड़ा ऊपर के साइड में। ध्यान रखिए कि कलर्स थोड़े से वेट हो, लाइक उनमें थोड़ा पानी हो कलर्स में, तो हमें जो लुक चाहिए वो इजीली मिल जाएगा। ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा पानी हो, ये हो गया। अब इनमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी और ऐड कर रही हूँ कलर्स में एंड अब मैं पेपर को सीधा कर दूँगी। हाँ, और ऐसे देखो सब पानी नीचे आ गया। अब जहाँ पे सॉरी फॉर द लाइटिंग बट कांट हेल्प इट, तो यहाँ पे जहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा ज़रूरत है वहाँ पे मैं और पानी डाल के उस कलर को और स्प्रेड कर रही हूँ, जैसे आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो। तो बस हो गया हमारा ब्यूटीफुल सा कार्ड रेडी है। तो ये देखो कितना प्रिटी लग रहा है गाइज, मुझे तो बहुत पसंद आया, आई होप आपको भी अच्छा लगा हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।